नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइफ फिजिक्स। देखिए, सिवान मतलब शहाबुद्दीन का सिवान। शहाबुद्दीन तो है नहीं, लेकिन अब भी उनका नाम लिया जाता है। तो शहाबुद्दीन के सिवान में आरजेडी ने परचम लहरा दिया है। आरजेडी का परचम मतलब लालटेन जला है। विनोद जायसवाल तेजस्वी यादव के उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। बिहार विधान परिषद के चुनाव में सिवान में आरजेडी को जीत मिली है, सबसे बड़ी खबर और बीजेपी के लिए बहुत ही दुखदाई। सिवान ने झटका दिया है, उनके उम्मीदवार तीसरे पायदान पर चले गए। तो देखिए, मुकाबला किससे हुआ? मुकाबला हुआ रईस खान से। मतलब आप समझ सकते हैं, विनोद जायसवाल बनाम रईस खान, नंबर एक और नंबर दो की लड़ाई हुई। तीसरे स्थान पर रहे मनोज सिंह, जो कभी पहले बिहार विधान परिषद के सदस्य बने भी थे। तो यहां अब इस बात को भी समझिए कि रईस खान ने किन वोटों में सेंधमारी की। रईस खान ने यदि सेंधमारी नहीं की होती तो यहाँ आरजेडी की जीत का अंतर क्या रहता। रईस खान पर चुनाव के दिन, चुनाव की रात गोलियां भी चली, यह आपको मालूम है। AK-47 से गोलियां चली। और इस मामले में अभियुक्त जो बनाया गया है, जो नामजद अभियुक्त थाने में लिखाए गए हैं, उनमें शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब का भी नाम है। तो ओसामा साहब उसमें संलिप्त थे कि नहीं थे, यह अलग बात है। लेकिन यदि सिवान की राजनीति की बात करें तो सिवान की राजनीति फिर से करवट बदली है। बीजेपी को झटका लगा है। विनोद जायसवाल देखिए, बहुत लंबे अरसे से किसी भी सदन में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, विधायक बनने की कोशिश, MLC बनने की कोशिश। उन्होंने जाकर यूपी में बसपा के टिकट पर सांसद का भी चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। आखिरकार उन्हें जीत मिली सिवान में और वे MLC। देखिए, तेजस्वी यादव ने भरोसा किया था और उन्हें शहाबुद्दीन की फैमिली ने पूरी ताकत दी। और सिवान की जो राजनीति थी उसमें मनोज सिंह के खिलाफ बीजेपी के लोग भी लगे थे, JDU के लोग भी लगे थे। जो वहाँ सिंह साहब की ताकत है JDU की, वह ताकत भी मनोज सिंह का साथ नहीं दे रही थी। देखिए, मनोज सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, वे भी कभी शहाबुद्दीन के दोस्त माने जाते थे, लेकिन बाद में शहाबुद्दीन के जीते जी दोनों में झगड़ा हो गया था। तो अब यह चुनाव परिणाम जो आया है, विनोद जायसवाल चुनाव जीते हैं सिवान से। राजद के लिए बड़ी खबर, सिवान में जीत राजद के लिए एक बहुत बड़ी खबर होती है। और जब शहाबुद्दीन की फैमिली के लिए भी, जिन्हें लगातार झटका मिल रहा था चुनाव के परिणामों से, तो इस MLC के चुनाव में जब राजद की जीत हुई है और रईस खान जो अपने को अब शहाबुद्दीन फैमिली का दुश्मन मान रहा है, उसके लिए देखिए अब यह भी देखना होगा कि दूसरे स्थान पर रईस खान, तो वहाँ की जो राजनीति है कौन सा करवट लेती है, किस तरीके से वर्चस्व कायम होता है, किस तरीके से प्रभुत्व कायम होता है, यह देखने वाली बात होगी। सिवान पर नजर रखना होगा। सिवान एक गंभीर विषय है, सिवान एक गंभीर अध्ययन का भी विषय रहा है। जब कभी बिहार में क्राइम को आप एनालाइज करते हैं तो सिवान की चर्चा होती है। तो सिवान में RJD ने जीत हासिल कर ली है बिहार विधान परिषद के चुनाव में। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को आप Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, Twitter पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।